हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग OCM इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यस, 12th स्टैंडर्ड OCM महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के ये ड्रीम होता है कि सर हमको ना 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, 85+, 80+, कुछ कुछ बच्चे 90 और 95+ भी सोच के रखते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनके इस टारगेट को अचीव करने में हर्डल क्रिएट करते हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट में से वन ऑफ द सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 और 95+ इन दिस सब्जेक्ट। बट ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो सिर्फ अकाउंट और इकोनॉमिक्स के ही क्लासेस लगाए हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ भी रहे खुद से, उनको कंसिस्टेंसी उनमें नहीं दिख रही है, ना पेपर सॉल्विंग हो रहा है, और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक जनरल वीडियो बनाऊं। ऑलरेडी वन मंथ टारगेट में आपको दे चुका हूं। जिन बच्चों ने वो टारगेट का वीडियो नहीं देखा, आप लोग प्लीज वो वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लीज वो वीडियो देखें ताकि आपको समझे कि एक मंथ में आपको कितना अचीव करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास लगा चुके हैं, वो भी उस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं लगाए वो भी उस टारगेट को, जिन्होंने क्लास नहीं लगाया वो भी फॉलो कर रहे हैं, बट प्लीज वो देखिएगा। बात करता हूं मैं स्पेसिफिक, और इसलिए मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे क्यों आया, क्योंकि आपको बता दूं कि आप लोग पिछले कुछ महीनों से पढ़ रहे हो, क्या आपने OCM को उतना इंपॉर्टेंस दिया, क्या आपने सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए, क्या आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया और उसे किसी से चेक करवा लिए? नहीं सर, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अभी भी आप मुझे नहीं दे पाओगे, और मालिक इसीलिए आप लोगों को अभी तो नहीं समझेगा। देखो जून मंथ आधा निकल चुका है, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर आपकी लगनी चालू होगी। आपको प्राइमा फेसी जब मैं OCM की बात करता हूँ, सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग, लेकिन जब लिखने की बात आते हैं बच्चे उस सब्जेक्ट को आई डोंट नो वाई बट लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें इस सब्जेक्ट में आ रही है, और फिर वही स्टूडेंट जो अभी जो सेल्फ स्टडी बोलता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, लास्ट में करीब करीब मोर देन 150 स्टूडेंट हमसे जुड़े थे हमारे क्रैश बैच में, उनकी यही लग चुकी थी, और फीस भी जो नॉमिनल फीस चालू किया था उसी फीस में उन्होंने फिर 2 महीने के लिए क्लासेस लगाए। वो बात अलग है, उनका पेपर नहीं हुआ, बट एक कॉन्फिडेंस 2 महीने में लाके दिया था। उनके पेपर हुए, पेपर चेक हुए, उसके बाद उनको लर्न करवा के दिया क्लासेस में, तो तब जाके कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो कुछ बच्चों की ये हालत थी कि सर आता हम तो उसी मिनट का ही खर नहीं, क्या होता माहित नहीं। तो क्या आप उस सीनारियो में जाना चाहते हो क्या? अगर नहीं तो मालिक रोज डेली कुछ तो घंटे अपने OCM के लिए रखो, लर्न करने के लिए, राइट? एक बार रीडिंग से काम नहीं चलेगा। आप 10th में थे तो भी 2-3 एक चैप्टर ना आप 2-3-4 बार पढ़ते थे, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, टीचर से चेक करवाते थे, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही थी, आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते थे, आपके स्कूल में प्रिलिम्स होते थे, आपके टेस्ट में फाइनल एग्जाम होते थे। क्या कॉलेज में हो रहा है? अब तो कॉलेज के लेक्चर भी हो रहे कि नहीं, ये बहुत बड़ा डाउट है। सो दोस्तों सर कैसे करें, मैं आपके सामने, मैंने जो नॉर्मल जो टारगेट वीडियो है उसमें भी मैंने आपको वेटेज बताया, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जो क्रैश बैच में जितने फीस में मैंने कोर्स दिया था और मैं जो लाने भी वाला हूँ इस साल के एंड में आप ही बच्चों के लिए, राइट? तो जितना फीस आप मुझे वो 2 महीने के लिए दे रहे थे उतने ही नॉमिनल फीस में, ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कर सकते हैं हमसे जुड़िए, आपके उतने ही फीस में अगले 7 से 8 महीने रेगुलर लाइव लेक्चर्स, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर होमवर्क एंड सारी चीजें लर्न करवाना क्लास में मेरी जिम्मेदारी रहेगी। सो ये क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को ये लग रहा है कि 2 महीने में मैं आपको देने वाला हूं, तो क्यों ना वो सर्विस में आपको 8 महीने दूं, और 2 महीने में जो बच्चा 85+, 90+ जा रहा है तो आप डेफिनेटली 95+ आराम से जाओगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज और लर्न करवाना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत जरूरी है, पेपर होना बहुत जरूरी है, चेक करके देना बहुत जरूरी है। तो आपका उतने ही फीस में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो रहा है, लाइव क्लासेस भी इंक्लूड हो रहे हैं, देन आफ्टर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप विन विन सिचुएशन में ही रहोगे। आपके पेरेंट्स को लगता है ऑनलाइन क्लासेस पर कसा भरोसा है भाई साहब, उनसे उनकी मेरे से बात कराओ, मैं उनसे बात करता हूं, उसका टेंशन मत लो, लेकिन आपका बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा। OCM को आप इग्नोर मत कीजिए मालिक, क्योंकि OCM ये सब्जेक्ट बनाता भी है
मार्क्स स्कोर बिगाड़ता भी है आपके टोटल परसेंटेज को। सो हल्के में मत लेना। इस महीने का टारगेट जो घर पे पढ़ रहे हैं, जो लगता है जिनको लगता है कि सर थोड़ा अवगढ़ है कैसे करें हम क्लासेस का, दोस्तों या जो क्लासेस भी जिधर भी लगाए, याद रखो आपका इस मंथ के एंड में, सब बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जो भी इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, महाराष्ट्र के जितने बच्चे हो गए, 30 जून को आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। सब बच्चों का हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो पेपर आ जाएगा, आपको सॉल्व करना है और इवैल्यूएशन के लिए मैं ही आंसर शीट भी दूंगा, राइट? मैं ही आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा, कैसे मार्क्स देना है, कितना मार्क्स अलॉट करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा वीडियो बना के। 30 जून को मतलब अभी भी आपके पास कितने दिन है, मोर देन 18 डेज है। आपको कौन से दो चैप्टर खत्म करने हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7, तो 12 और 17 करीब करीब आप लोगों के 29 मतलब 30 पकड़ लो ना, 29 टू 30 मार्क्स की पढ़ाई इस महीने में OCM की होनी चाहिए। अगर आपसे हो रहा है अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि सर हमें गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। दोस्तों बिलीव मी, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है और आपका देखो 12वीं बोर्ड बार बार नहीं आता। सो अगर आप चाहते हो कि सर हमें क्लासेस मतलब आपके पास OCM लगा लेना है, आपके जितने फ्रेंड है जो वो रुके हुए थे कि सर 12-15 हज़ार फीस थी, डोंट वरी, मैंने आपको जैसे कहा कि जो हमने क्रैश कोर्स में फीस चार्ज करते हैं जो लास्ट दो महीने में, वही आपको चार्ज करने वाले हैं। और इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि वो जो क्रैश कोर्स होगा उसका फीस नहीं लिया जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट? सो दोस्तों आई होप मेरी बात आप तक, मैंने आप तक मेरी मेरा मैसेज बहुत सही तरीके से पहुंचा होगा। पढ़ो, खुद से पढ़ो, मेरे से कनेक्ट हो, मैं आपसे करवा लूंगा, लेकिन OCM सब्जेक्ट वाइज टारगेट मेरे को 95 प्लस आपका चाहिए। आप कहाँ से ही पढ़ रहे हो, ठीक है? और भी कुछ डाउट रहे हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन हम देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।